तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते क्या हैं या फिर एसटीडीज क्या होते हैं। तो जो डिजीजेस और इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलते हैं उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं। और एसटीडीज को और भी कुछ नाम दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्या नाम है। तो हम एसटीडीज को वेनेरियल डिजीजेस या फिर वीडीज भी बोलते हैं, या फिर हम एसटीडीज को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर आरटीआई का भी नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या फिर एसटीडीज के नाम देखेंगे। गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, एड्स। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ जिसका नाम है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम ये देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फैलती कैसे हैं, ट्रांसमिट कैसे होती हैं। तो ये ट्रांसमिट होती हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। और जो एड्स और हेपेटाइटिस बी है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा भी और चीज़ों से भी फैल सकता है। वो क्या क्या मोड्स हैं देख लेते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड इंजेक्शन या फिर नीडल्स, मतलब कि आप सेम ही नीडल्स अगर मल्टीपल लोगों के लिए यूज़ करते हो, ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हो, तो भी ये बीमारियाँ फैल सकती हैं। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो भी अगर मल्टीपल लोगों के लिए यूज़ किए जाएँ तब भी एड्स और हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकता है। इंजेक्शन नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी और भी मोड्स हैं जिनकी वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं, तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तब भी ये बीमारी कॉज हो सकती है। इसके अलावा अगर मदर इन्फेक्टेड है तो अपने फीटस को भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शंस, इनको छोड़ के जो बाकी सारे डिजीजेज हैं वो कम्प्लीटली क्योरेबल हैं अगर हम उनको टाइम पर डिटेक्ट कर लें और प्रॉपरली ट्रीट कर लें, अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करें, तो ये पूरी तरह से क्योर हो सकती हैं।